तो चीन ने भारत की तारीफ की है। सुन के कैसा लग रहा है कि चीन ने भारत की तारीफ की है। जाहिर सी बात है कि चीन अगर भारत की तारीफ करे तो इसे रेयर मोमेंट मान सकते हैं। रेयर मोमेंट इसलिए कि 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद भारत और चीन के रिश्तों में कभी भी सुधार नहीं हुआ। ऐसे में सुनकर आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हुआ क्या है कि चीन ने भारत की तारीफ कर दी। तो हुआ ये है कि चीन ने श्रीलंका के मामले में भारत की तारीफ की है। श्रीलंका अपने सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। ऐसे में भारत ने अपने इस पड़ोसी देश की जिस तरीके से मदद की है, चीन ने उसकी तारीफ की है। तारीफ करते हुए चीन ने भारतीय मदद को ग्रेट एफर्ट बताया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि श्रीलंका अपने सबसे बुरे आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में यहाँ के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने चीन को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि चीन का स्ट्रेटेजिक फोकस जो है वो श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे साउथ एशियन देशों से हटकर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ शिफ्ट हो गया है। हालांकि चीन ने गोटबाया के इस बयान को खारिज किया है। चीन का कहना है कि साउथ एशिया अभी भी उसकी प्राथमिकता है। इस बीच 1948 में अंग्रेजों से आज़ादी पाने वाले श्रीलंका की आर्थिक स्थिति जो है वो सुधरती नहीं दिख रही। श्रीलंका में जो संकट है उससे देश की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। यहाँ के राष्ट्रपति गोटबाया के इस्तीफे की मांग जो है वो जोर पकड़ती जा रही है। हालांकि इस बीच पता नहीं क्यों लेकिन चीन को भारत की तारीफ करने का मन कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं झाओ लीजियान, उन्होंने भारत की तारीफ में ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन को इस बात का पता है कि भारत ने श्रीलंका की बहुत मदद की है। झाओ ने ये बात एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कही। उनसे श्रीलंका में चीन के भारी निवेश और इस संकटग्रस्त देश की मदद से जुड़ा सवाल पूछा गया था। तो उनसे पूछा गया था कि क्या श्रीलंका की मदद करने के मामले में चीन हिचकिचा रहा है। इसके जवाब में उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि वो श्रीलंका की मदद के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर भी वो श्रीलंका और बाकी के डेवलपिंग कंट्रीज को संकट से निकालने में मदद करने के लिए तैयार है। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां चीन पर श्रीलंका को संकट में डालने के भी आरोप लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका को भारत अब तक कई तरीकों से $3 मिलियन की मदद कर चुका है और अब जाकर चीन ने भी श्रीलंका को $73 मिलियन की मदद का हाथ बढ़ाया है। लेकिन ऐसी मदद के भी चीन ने यह साफ नहीं किया कि वो श्रीलंका को दिए गए लोन चुकाने के लिए इस देश को और मोहलत देगा या नहीं। दरअसल श्रीलंका ने चीन का फोकस शिफ्ट होने वाला जो बयान दिया है, विश्लेषकों का मानना है कि इससे चीन हिल गया है। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने जो कहा वो अप्रत्यक्ष तौर से इस ओर इशारा करते हैं कि चीन ने इस देश को संकट में डाला है। दक्षिण एशिया में श्रीलंका और पाकिस्तान वो देश हैं जिन्हें चीन ने सबसे ज़्यादा लोन दिया है। दोनों ही देशों की जो इकोनॉमी है उनकी कमर टूट गई है। तो ये दोनों ही देश IMF से बेल आउट की उम्मीद लगाए बैठे हैं और दोनों ही देशों को बेल आउट जल्द मिलता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में आशंका यह है कि इस तरीके की स्टोरीज जो हैं वो आती रहेंगी और हम आपके लिए इन जरूरी स्टोरीज पे बने रहेंगे। अभी के लिए आप देख रहे हैं अनकट और मेरा नाम है तरुण।